आ गए छोटे मालिक, छोटे मालिक आ गए। पहुंच गए अब। फाइनली पहुंच ही गए यार, बड़ा नाइस बंगलो। तुम्हारे मम्मी डैडी ने ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा छोड़ी है। ग्रेट यार, यू आर लकी। और बाबूजी का एक ही सपना था कि शहर के बाद उनका घर हो, उन्होंने पूरा कर लिया। भैया 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 भागे भैया। अभी मेरी बहन है। देखो मैं तुम्हारे लिए यूएस से उड़कर आ गया हूँ, और एक सरप्राइज भी है। क्या भैया? एक मिनट, आ जाओ सब। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। देखो मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स को भी ले आया हूँ। मालिक। अरे शिरीष कैसे हो तुम? कितने सयाने हो गए आप। बिल्कुल बड़े मालिक की तरह, बिल्कुल बड़े मालिक की तरह। ये तुम्हारे कपड़ों पर इतनी मिट्टी कैसे लगी है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वहां पौधा लगा रहा था। हाँ ठीक है, गाड़ी में से सामान निकालो। He's weird यार, कुछ तो अजीब है। मास्टर वीजा हमारे घर, पता नहीं क्या करता रहता है, जरा सावधान रहना इससे। तो फिर इसे निकाल क्यों नहीं देते? अरे पापा का वफादार नहीं होता ना तो कब का निकाल चुके होते। चलो मामा सिखाता हूँ। हाँ, हाँ, चलो ना। चलो सकते। दे, दूर क्या रहा है? तू क्या एक? I'm so sorry, सुनो, so sorry. सिरीश, तुम जाके काम करो। निकाल। So, दोस्तों, आज हम गायत्री का बर्थडे तो मना ही रहे हैं, बट एक और बात भी है। क्या भैया? तो नमन, तुम दोनों अभी भी दोस्त ही हो या बात थोड़ी सी आगे बढ़ी? भैया। थैंक्स नमन, मेरी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखना। हमेशा। देखना मैं तुम दोनों की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा, इसी फार्म हाउस में, माँ और बाबूजी को साक्षी मानकर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें फार्म हाउस दिखाता हूँ। हाँ, चलो। पानी पीजिए सर, पानी। सुमन, 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 कहाँ हो तुम यार? सुमन, नमन, सुमन, सुमन,
पता नहीं है लड़कियों को क्या मजा आता है या लड़कों को भगाने में। सुमन अरे नमन तो इधर ही था, कहाँ गया? नमन! अरे नमन तो इधर ही आया था, कहाँ गया होगा? पता नहीं, वहां देखते चल। आजा। नमन! बचाओ! ये तो नमन की आवाज लग रही है। हाँ। कैसे हुआ ऐसा? सर क्या बताएं सर, उन पे किस तरह से हमला हुआ था। ये फार्म हाउस किसका है? सर फार्म हाउस हमारा, मैं इसका बड़ा भाई। सर देखिए ना क्या हालत हो गई है हमारी, थोड़ा लोशन लगाया तब जाके थोड़ी सी राहत मिली सर, लेकिन लेकिन हम नमन को नहीं बचा पाए सर। प्लीज बॉडी कहाँ है? सर उस तरफ है, चलिए। आप लोग इधर रुकिए प्लीज। के साथ साथ ये दंत के निशान भी हैं, चेहरे पे भी काट लिए हैं। पता नहीं सर, हम तो खुद बाद में उसके चिल्लाने पर बाहर आए थे। मतलब ये नमन यहाँ जंगल में अकेले आया था? जी सर। और ये आदमी कौन है? सर ये शिरीष हमारे फार्म हाउस की देखरेख करता है। शिरीष, और आप लोग कौन कौन आए थे साथ में? सब भैया, नितिन, रचना, नमन और सुमन। सुमन? सुमन कहाँ है? सर काफी देर से नहीं दिखाई दे रही। क्यों? पता नहीं सर, हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। जी ये इतनी सारी मधुमक्खियां एक साथ काटना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया? लगता तो है ये लोग को छुपा रहे हैं। और सुमन भी तो गायब है। हाँ सुमन, एक काम करो, मैं लोगों के साथ सुमन को ढूंढो, तब तक मैं आसपास चेक करता हूँ और बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है श्रेया, ठीक है आइए।
आप में से किसी ने सुमन को इस तरह आते हुए देखा है क्या? सर दरअसल फार्म हाउस इतना बड़ा है कि वो यहाँ टहलने भी निकले तो गुम हो जाता है। ये क्या? लगता है अभी अभी यहां पे खुदाई हुई है। मिट्टी हटाओ सर जल्दी। लगता है यहाँ पर किसी को दफनाया गया था। अगर किसी को दफनाया गया था तो फिर लाश कहाँ गई? घड़ी? ये घड़ी किसकी है? सर ये तो सुमन की घड़ी है। तो ये सुमन की घड़ी है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये कब्र किसने खोदी? सर मुझे नहीं पता। पता कैसे नहीं? हाँ कोई तुम्हारे फार्म हाउस के अंदर आके ये इतना बड़ा कब्र खोद के जाता है न जाने किसके लिए, और तुम लोगों को पता नहीं? सर सर गायत्री तो यहाँ पर कभी कभार रहती है। सर मैं खुद अमेरिका में रहता हूँ। सर सच कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। सर ये तुम्हारे कपड़े पे मिट्टी कैसे लगी? हाँ ये कब्र तुमने खोदी? सुमन कहाँ है? मैंने पूछा सुमन कहाँ है? साहब साहब मुझे कुछ बता रहे थे आप, मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपनी नौकर हूँ साहब। साहब मैंने तो गुलाब के पौधे लगाने के लिए वहां पर खुदाई की थी साहब। मैंने बताया था साहब, सुमन को बताया था। जी सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन को यहां से कहीं और ले जाया गया? आगे चल के देखते हैं। चलो ये क्या? ये हमारा पुराना घर है जो बिल्कुल खंडहर हो चुका है। सर देखा मैंने आपको बोला था ना यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ठीक है कोई आवाज नहीं करेगा, पर ये टॉर्च ऑफ करो।
प्रद्युमन यहाँ पे आया तो ये छत्ता तो जरूर देखा होगा, पर मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना मौत का दावत देना है। जूते पे निशान, मिट्टी का ढेर। आराम से घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। कौन दफनाना चाह रहा था तुम्हें? नमन कहाँ है? नमन की मौत हो चुकी है। कैसे? क्या? वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पहुंची कैसे? मैं नमन से बहुत नाराज थी, इसीलिए बस बाहर टहलने को निकली थी। ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, शायद नमन मुझे मनाने के लिए। बस मैं भागी और जान बचाकर कैसे तुम्हारे से भागी। कौन था? तुमने इसका चेहरा देखा? कुछ याद है? किसी ने मधुमक्खी को छेड़ दिया क्या? शेयर काम करो, जल्दी से बाहर लेके चलो। लेकिन इन सबको बाहर लेके चलो, चलो जल्दी यहां से। इसके पीछे
बहुत सारा काट लिया। सब लोग ठीक है? सब ठीक है सर। मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, गला भी सूख रहा है। सर, सर को हॉस्पिटल ले जाना होगा। सर, ये सब क्या है? सर, सर वहां मधुमक्खियों के छत्ते को किसी ने छेड़ दिया है सर। और ये सब मिट्टी मिट्टी कैसे लगी तुम्हें? सर, ये सुमन है सर। सर, उस सिरीश ने मुझे गाड़ने की कोशिश की। क्या कर रहे हो ये? शिरीष कहाँ है? सर वो तो गायब है। और बाकी लोग कहाँ हैं? हैं? संभाल के। क्या हुआ? हैं? दया? दया को क्या हुआ? सर। सर हम दया सर को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये मान ही नहीं रहे। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। दया? दया हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दया प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। एम्बुलेंस को आने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? दया हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं आराम कर रहे हैं। दया को यहीं रखना पड़ेगा। पंच निकल, शिरीष को ढूंढो जल्दी, लेके चलो इनको। बर्फ है घर में? जी सर। जरा प्लीज भेज दीजिए, आप लोग सब नीचे जाइए प्लीज। सर सूजन बहुत बुरी तरह से फैल रही है, सर की सांसें भी धीमी होती जा रही है। ये डंग सब निकालने पड़ेंगे और पेन किलर भी दो। हाँ सर, उनके साथ क्या क्या पता चला नमन की बॉडी से? ए, क्या हुआ अभिजीत, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ भैया? दया को भी मधुमक्खियों ने काट लिया है सर, बहुत ज्यादा काटा है। क्या क्या बात कर रहे हो? दया को मधुमक्खियों ने काट लिया? क्या हुआ? दया को मधुमक्खियों ने काट लिया। तुम दया को फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। अरे सुन रहे हो ना मेरी बात? अरे मैं सुन रहा हूँ सर, लेकिन दया सुनने को तैयार नहीं है। वो एम्बुलेंस को फोन किया था, वो 2 घंटे बाद आएगी। बड़े अजीब लोग हो तुम, हैं? मौत से भी जीतना चाहते हो? आप ये बताइए, ये नमन की रिपोर्ट से कुछ पता चला क्या? हाँ, नमन की मौत सिर्फ मधुमक्खियों के काटने से नहीं हुई अभिजीत। क्या? नमन के शरीर में हमें एक किस्म का जहर भी मिला। हाँ लेकिन मधुमक्खियों के डंक में जहर तो होता है ना सर? हाँ हाँ वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जहर कुछ अलग किस्म का है। ये नमन को उस पर हमला हुआ उसे 15 मिनट पहले दिया गया होगा लगभग। 15 मिनट पहले उसे जहर दिया गया? और हाँ वो दया को। हेलो नमन को किसी ने जहर दिया था? फिर सर मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़कर किसी ने उस पे हमला क्यों करवाया? इसकी तो 2 ही वजह हो सकती है। कातिल कोई चांस नहीं लेना चाहता था,
पहले जहर दिया फिर मधुमक्खियों से हमला करवाया, या फिर वो चाहता था कि इसकी मौत एक हादसा लगे। लेकिन नमन को जहर दिया गया था वो भी 15 मिनट पहले। और भी जरा देखना जरा। ये श्री चित्री कहीं आया होगा, उसे ढूंढना मले बड़ा जरूरी है। आप लोग एक बात बताइए, ये नमन आप लोगों के साथ ही आया था ना एक ही गाड़ी में? जी सर, हम सब गाड़ी में साथ में ही आए थे। अच्छा, यहाँ आने के बाद नमन ने कुछ खाया पिया था क्या? नहीं सर, हम जैसे ही आए मैंने फार्म हाउस दिखाने के लिए बाहर ले गया, फिर पता चला कि नमन गायब है और हम उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। खाया नहीं था कुछ? पानी वानी पिया था उसने यहाँ पे? जी सर, पानी पिया था निकलने से पहले। किसने दिया था पानी उसको? ये लो, सारा खेल खेल के यहाँ छुप के बैठा है। सिरीश ने पानी पिलाया था उसको। हाँ निखिल। सर, सिरीश मिल गया। कहां पे है? सिरीश, तुम सुमन को क्यों मारना चाहते थे? देखो, तुम बच नहीं सकते हो। तुम मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ के यहां छुप के बैठा हुआ है। पहले नमन पे हमला करवाया और तो और सीआईडी ऑफिसर्स को भी नहीं छोड़ा तूने। मुंह छुपाने के लिए हाथ नहीं, जेल की सलाखें मिलेंगी। चल। सिरीश, रोका किन्नू है, 1000 में मेरी बहना। सिर तो मरते मरते गाना गा रहा था। गाना नहीं, सुराग था। सर, इसका मतलब खूनी शरीश नहीं, कोई और है। मैं फार्म हाउस जाना होगा, जल्दी से जल्दी। दरवाजा तो बंद है। उर्वी! लगता खूनी हमसे पहले पहुंच गया। आगे वाले दरवाजे पे चलो, आगे वाले। साहबान को बोलो अभी भी एक सीआईडी ऑफिसर अंदर जिंदा है। प्लीज, आप लोग यहाँ से चले जाइए। दया सर की हालत बहुत खराब है, शायद रहे ना रहे, प्लीज सर हम लोगों के लिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 1
ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। दया, 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 दया सुन, काजल अंदर है, हम लोग बाहर हैं, कुछ कर यार। संभाल के आ गया मेरा छोटा बच्चा नींद पूरी करके। हाँ आजा आजा आजा।
सीआईडी कभी गहरी नींद में नहीं सोता। छोड़ दे इन सबको। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ूंगा। कितना मजा आ रहा है एक सीआईडी ऑफिसर की ये हालत देखकर। मजा आ रहा है तुझे? तुझे मजा मैं चखाऊंगा। मजा तो मुझे आ रहा है। पहले मैंने शिरीष के थ्रू नमन को मरवा दिया और फिर शिरीष को जहर देके मार दिया। सिंपल। तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। सर अब मैं आपको भी मार दूंगा, इन सबको भी मार दूंगा। पर अपनी बहन मधुमक्खी के छत्ते से बहुत खेलने का शौक है तुझे ना? एक गलती कर दी तूने, सीआईडी के छत्ते को छेड़ दिया। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। यही गाना गाते थे ना तुम गायत्री के लिए बचपन में? तुम्हारा वफादार शिरीष, जिसे तुमने कहा था मधुमक्खी को छेड़ने के लिए, मरते मरते तुम्हारा ये राज बता गया। शक तो हमें पहले से तुम दोनों पे ही था, यहां पे भाई बहन तुम दोनों ही हो। लेकिन धीरे धीरे ये गायत्री शक के दायरे से बाहर चली गई, बचे तुम। हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। वो निकम्मा नमन मेरी बहन से झूठ मूठ का प्यार करके उससे शादी करना चाहता था, ताकि वो सारी जायदाद हड़प ले। धोखा दे रहा था मेरी बहन को, धोखा। सुमर और नमन का पहले से ही कोई चक्कर चल रहा था। अब जाओ जेल के सलाखों के पीछे बैठकर फूलों को और तारों को गिनना, हाँ? तब तक तो फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।